नमस्कार, वेलकम बैक टू चैनल। तो हमारे साथ है साइला गांव के प्रधान, सॉरी पूर्व प्रधान साहब। तो प्रधान साहब, आपका नाम जानना चाहेंगे पहले? तो मेरा नाम है हरमत सिंह छोड़ा। छोड़ा साहब, हरमत सिंह जी, आप पूर्व प्रधान साइला के हो जी। जी, आज इस मेले में, इस मलिनाथ के प्रांगण में कैसा कैसा लग रहा है? अच्छा ही लग रहा है। हम तो आते रहते हैं, हर साल आते हैं। आते रहते हैं, और वैसे अश्व प्रेमी है। अश्व प्रेमी हो आप? मेरे पास में भी 5 घोड़ी है। अच्छा, 5 घोड़ी रखते हैं? 5 घोड़ी है। अच्छा, वो मंजूके लैंड की भी है, आलिशान की है, और रत्नाकर लैन की भी है, और आलिजा की भी है। अलग अलग लैन है उसमें है। तो घोड़ों का शौक कब से लगा आपको? अब घोड़ों का शौक तो लगभग 21 साल हो गए। 20 साल हो गए। तो आप घोड़े किस पर्पज से रखते हो? राइडिंग पर्पज, ब्रीडिंग पर्पज, या शौक के लिए? नहीं, मैं तो शौक के लिए रखता हूँ। बस घोड़े देख, और बस घोड़ा शौक के लिए रखता हूँ। और ये घोड़ा पशु में नहीं आता। अच्छा, बिल्कुल, ये देवता है सर। ये देवता है, मेरा मानना है और मेरा अनुभव बोलता है कि एक देवता है। और घोड़ा रखने में, जो घोड़ा रखते हैं ना, घोड़ा या घोड़ी, जब वो हिन हिनाता है तो उस एरिया तक जहाँ तक आवाज़ जाती है, वहाँ से जो ये जो दूसरी बलाएं होती है ना, भूत प्रेत पिशाच डाकनी चाकनी, वो नेगेटिव एनर्जी वहाँ रहती नहीं रहती। और जब तक घोड़ा घर में है तब तक वहाँ किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आती। जी, ये मेरा मानना है और मैं शौक से रखता हूँ। घोड़ा रत्न है जी, इसको अपन पशु में गिनती नहीं है, एक रत्न है। और घोड़ों का शौक तो मेरे हिसाब से आज से ही नहीं है, ये तो सदियों पुराना है, क्योंकि घोड़ा ही सच्चा इंसान का साथी रहा है। अपने मारवाड़ ब्रीड के बारे में हम कहा गया कि ये वॉरियर, मारवाड़ वॉरियर घोड़े हैं, जो बिल्कुल बहुत पुराने, जब हाइफा के युद्ध कर ले, महाराणा प्रताप के युद्ध के टाइम देख ले, घोड़े तो एक प्रमाण है सर। बिल्कुल, जो हमारे इतिहास के बारे में आज एक जीता जाता प्रमाण, वो घोड़े हैं। बिल्कुल, इनकी बदौलत आज हम है, हम है, सब है रियलिटी। हमारी जो आज जो अपने जो संस्कृति है या अपना अस्तित्व है, वो भारतीय संस्कृति या अपना अस्तित्व है, वो इस घोड़ों के कारण से। महाराणा प्रताप सिंह, पृथ्वीराज चौहान, कितने ही जो युद्ध हुए उसमें महारानी लक्ष्मीबाई, अब घोड़ों के हिसाब से तो ये अपना घोड़ा है। और घोड़ा बहुत बड़ा स्वामी भक्त होता है। हुकम, आप नए अश्व प्रेमियों को क्या कहना चाहोगे? मैं अश्व प्रेमियों को ये कहता हूँ कि धीरे धीरे अश्व का मोह, अश्व प्रेमियों को अश्व रखने में मोह भंग होता जा रहा है। मोह यूँ होता है कि एक्चुअली एक तो क्या होते हैं कि अश्व का अभी तक जो है, जैसे जिसके पास में घोड़े सदियों से, लेकिन सरकार का अश्व के प्रति कोई ध्यान नहीं। इनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है, इनका बीमा होना चाहिए, इनका जो अब एक किसान घोड़ा पालता है और एक जो वेटनरी डॉक्टर आता है वो मुंह मांगी फीस ले लेता है। इसलिए सरकारी अस्पताल खोलेगा, सरकारी हॉस्पिटल में विशेषज्ञ होना चाहिए पर्सनल घोड़ों के, और घोड़ों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, घोड़ों का बीमा होना चाहिए, क्योंकि घोड़ा एक अमूल्य चीज होती है, इसका कोई मोल नहीं होता। ये धरोहर है सर, ये धरोहर, ऐतिहासिक धरोहर है, जो हमारे साथ में आज भी प्रमाण है। उन धरोहरों को संजोना चाहिए और प्रोत्साहित करना चाहिए। जैसे हर क्षेत्र में अपने जो सरकारी अधिकारी होते हैं, जैसे जिला कलेक्टर हैं, ये सारे होते हैं, तो इनको हर साल मेले अपने क्षेत्र में लगाने चाहिए, कुछ घोड़ा मेलों में अनुदान भी देना चाहिए और घोड़ा प्रेमियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये घोड़ा आप बहुत बढ़िया है, और बिजनेस पर्पज में भी ये घोड़ा बहुत बढ़िया काम आता है। अपने एक घोड़े का बच्चा पैदा करते हैं और उनको दूध पिलाते हैं सही ढंग से, अगर उस बच्चे का